लिंग का छोटापन क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक बहुत इस पे डिस्कस हो रही है, इसके बारे में नेट के अंदर हर जगह बहुत ज़्यादा मटेरियल डाला हुआ है। इसमें बहुत लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये ट्यूब आती है, ये क्रीम आती है, ये कैप्सूल आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंग के साइज से सेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग लोगों का लिंग का साइज सामान्य होता है। अगर मैं आपको सही ढंग से बताऊं कि लेडीज के जो ऑर्गन की जो डेप्थ है वो अप्रोक्स 6 इंच के आसपास रहती है, उसका जो आउटर लिप पार्ट है और आउटर 2 इंच पार्ट है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए यदि किसी भी पर्सन की पेनिस की लेंथ एक्साइटमेंट कंडीशन के अंदर 2 इंच से बड़ी है, भले वो 3 इंच है, 4 इंच है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसको इस चीज के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सेक्स में इजीली पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है। परंतु क्या है कि नेट के अंदर इतना ज्यादा मटेरियल डाला हुआ है, इतनी ज्यादा बातें इसमें लिखी हुई हैं कि आप ये लो, इसे ये होगा, इतने दिनों में बढ़ जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, तो उस केस के अंदर जो युवा लोग हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। देखा जाए तो उनको गाइडेंस नहीं मिलता और डॉक्टर के पास तो जाते नहीं है, मिलते नहीं है, वो ऑनलाइन ही उस मेडिसिन को मंगा लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप कुछ प्रोडक्ट इस टाइप के ऑनलाइन मंगाते हैं उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। यदि आप कुछ भी इस चीज के अंदर वैक्यूम पंप से लेके कुछ भी आप मंगवाते हैं, आपको उसका नॉलेज नहीं है कि उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, उसको कैसे यूज करना है। और नेचुरली कुछ भी आपका साइज मान लो क्या है कि कुछ लोगों का साइज सामान्य होता है तो भी वो कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमें तो बढ़िया है, 2 इंचों बढ़ जाए। सर ये सब फालतू की बातें होती है। जो आपकी ग्रोथ की एज निकल गई तो उसके पास आपके पेनिस का साइज बढ़ने की संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ आप ऑपरेशन करवाते हो या सर्जिकली कुछ करते हो तो उस केस के अंदर पॉसिबल है, परंतु वो बहुत रेयर केसों में होता है। हर पर्सन के लिए चीज संभव नहीं है। इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पेनिस के साइज के बारे में आप ज्यादा सोचना बंद करते हैं। साइज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है। इसके अलावा यदि जो इंपॉर्टेंस ही होती है वो एक्साइटमेंट की होती है या आपको जो टाइम लगता है उसकी होती है। पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए दो ही चीजों की मेन इंपॉर्टेंस ही होती है कि आपको इरेक्शन कैसी आ रही है, आपका टाइम कितना लगता है, आपकी टेक्निक क्या है। आप सही ढंग से करते हैं तो आपका जो पेनिस का साइज है वो कभी भी मायना नहीं रखता। होता क्या है कि कॉज तो प्रॉब्लम तो दूसरी होती है, भले वो इरेक्शन की प्रॉब्लम हो या ये टाइम की प्रॉब्लम हो या आपको पता ही नहीं कैसे करना है, और आप उस बस सोचते क्या हो कि बस लेंथ के कारण। लेंथ इतना ज्यादा मायना नहीं रखती है जितना आपको इस चीज के बारे में बताया गया है। इसके अंदर टेक्निक्स बहुत ज्यादा मायना रखती है, आप कैसे कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। इसके अलावा आपके अंदर जो आप क्या है कि बिल्कुल फ्री माइंड होके कर रहे हो, कैसी माहौल कैसा है, उस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आपकी एक प्रकार से सफाई का, अब कई बार क्या है कि बॉडी में तो स्मेल आ रही है आपके, अब आप परफॉर्मेंस और नेचुरली बात है कि आपके अंदर स्ट्रेस है, एनजाइटी है और सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, तो नेचुरली बात यह है कि आपके अंदर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए साइज को लेके आप एनजाइटी लेना बिल्कुल बंद कर लें। साइज को लेके ज़्यादा दिमाग को भ्रमित नहीं करें, क्योंकि मैं आपको वापिस वही चीज़ समझाता हूँ। अगर किसी भी पर्सन का 2 इंच 3 इंच से या 4 इंच से बड़ा है एक्साइटमेंट कंडीशन में, वो बिल्कुल नॉर्मल है, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ केसों के अंदर होता है क्या है कि उसके अंदर इरेक्शन की ही प्रॉब्लम होती है, इरेक्शन की प्रॉब्लम के कारण उनके अंदर फुल ब्लड नहीं बढ़ता, तो नेचुरली बट जो नॉर्मल कंडीशन में होगा तो पेनिस वो छोटा नजर आएगा। वो कोज जो होता है वो, उसको आप ये मत बोलो कि साइज छोटा है, वो कोज है कि उसके अंदर इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रही, ठीक है ना। इसके अलावा
कुछ केसों के अंदर होता है कि यदि जो बच्चा है उसके अंदर नेचुरली बात यह है कि बाकी ग्रोथ भी नहीं आ रही, जैसे उसकी दाढ़ी मूछें नहीं आ रही, आवाज में भारीपन नहीं आ रहा, जो भी उसके अंदर मेल जो करेक्टर की डेवलपमेंट होनी चाहिए या उसके अंदर टेस्टिस की पूरी सही साइज नहीं है, वो हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण होती है। अगर ऐसा कोई रहता है तो उसको यंगर एज के अंदर ही डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, उनको अपने डायग्नोज करवानी चाहिए कि हार्मोन के वगैरह के, क्योंकि जो युवा किसी पर्सन है या मान लो किसी 12-13 साल के अंदर किसी भी पर्सन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एक लड़के की, और वो 18 साल 21 साल की एज तक चलती रहती है। अब उस समय उसके टेस्टिस के अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो उसके अंदर प्राइमरी डेवलपमेंट भी होती है, प्राइमरी के अंदर उसके अंदर पेनिस की लेंथ बढ़ना और टेस्टिस की साइज बढ़ना, प्लस उसके अंदर क्या है कि जो भी प्राइमरी ग्रोथ के अंदर होते हैं जो मेन रहते हैं फॉर लेंथ और जो भी है उसके अंदर टेस्टिस की या शुक्राणु का निर्माण, ये सारे उसके स्टार्ट हो जाती है। और स्केंडरी जैसे दाढ़ी आना, मूछे आना, आवाज का भारी होना, मेल करेक्टरिस्टिक जो एक्सटर्नल, तो उनकी भी डेवलपमेंट होती है, तो वो स्टार्ट हो जाती है, वो चलती रहती है। तो इसलिए क्या है कि हाँ कुछ केसों के अंदर हार्मोन की डिस्टर्बेंस होती है, उस केस के अंदर आपको डॉक्टर की जरूरत है। यदि आप की एज मान लो क्या है कि 18 साल या 21 साल से ऊपर हो गई है, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़िया आ रही है, आपके अंदर सारे मेल ग्रोथ के हार्मोन बिल्कुल सही है, आपके अंदर सब कुछ एवरीथिंग ओके है, तो आपको साइज को लेके ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा इसके लेके आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। आपको यदि फिर भी आपको लगता है कि यार मेरा ऐसा है, क्योंकि क्या है कि आप उसके मटेरियल नेट के अंदर बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, आप उसको बार बार रीडिंग करके आप साइकोलॉजिकली अपने आप को साइज का रोगी बना रहे हो कि मेरा साइज कम है, मेरा आप कोई भी चीज़ को दिन रात आप उसकी एक प्रकार से चैंटिंग करते रहोगे पूरा दिन, तो वो चीज़ साइकोलॉजिकली क्रिएट हो जाएगी। तो आप अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो, आप अपनी हार्मोन्स की जांचें करवा सकते हो, जब आपका सारा हार्मोन एवरीथिंग ओके है तो वो चीज़ें आपके अंदर ये फालतू की जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है या आपके अंदर जो भ्रम है उसको निकालेगी। धन्यवाद।